अगर परमेश्वर को आपके बारे में या मेरे बारे में एक योजना है, इस संसार पर कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। परमेश्वर की योजना था मूसा एक ग्रेट लिबरेटर बने कि अपने लोग जो 400 अधिक साल से मिस्र देश में गुलामी हैं उसको छुड़ाए। लेकिन शत्रु की योजना क्या था मालूम? जब वो माँ की गोद में थे उसको मार डालने के लिए प्लान की और परमेश्वर मूसा को छुड़ाया। और वेरी इंटरेस्टिंगली बच्चा जब जन्म हुआ ना, 3 महीना में उसको एक बॉक्स में डालकर नाइल रिवर में भेजा गया। बच्चा नदी में जा रहा है, अंदर रहने वाला बच्चा कुछ जानता नहीं है, मुझे क्यों नदी में डाला, मुझे कहाँ ले जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, अंदर रहने वाली बच्चे जो बॉक्स के अंदर जो नाइल रिवर में मम्मी ने बोली बच्चा तुम्हारा लाइफ इतना ही है, लेकिन बाहर दिखने वाला परमेश्वर कहता है बेटा तुम्हारे ये सफर मरने के लिए नहीं है, तुम्हारा डेस्टिनी, तुम्हारा जिंदगी बदलने वाला महल में मैं तुझे ले जा रहा हूँ। देखिए मूसा पहुंचता है फिरौन की महल में, वहां 40 साल परमेश्वर उनको ट्रेनिंग देता है, 40 साल रेगिस्तान में ट्रेनिंग देता है। फिर इनको इसराइली को फिरौन की गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रभु इस्तेमाल किया है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, Nothing in this world can stop what God has planned for. क्या आपकी चारों ओर एनिमी है? बचपन से आपको पढ़ाई ठीक से नहीं मिला, आपको मदद करने वाला कोई नहीं था, किसी के पास आकर शेयर किए लोग आपको डिस्करेज किया, बट लेट मी टेल यू देर इज अ ग्रेटर प्लान दैट गॉड हैज फॉर यू। अगर आप मेरे से पूछेंगे मैं कहूँगा प्लान परमेश्वर बनाने के लिए अपने आप को अर्पण करिए। अगर आप ऐसे प्लान करेगा कभी छोटा हो सकता, मे बी अब ऐसे प्लान करेगा इतना बड़ा होगा आप कहीं नहीं नियर नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर से बोलिए डैडी जैसे बाइबल कहता है ना, आई हैव अ बेटर प्लान फॉर यू। परमेश्वर आपको मेरे लिए एक बेटर प्लान है, वो प्लान मेरे जीवन में पूरा होने दीजिए। चाहिए पूरी दुनिया मेरे खिलाफ में खड़ा होने दो, मैं आपके ऊपर और आपके वचन के ऊपर विश्वास करूंगा। जैसे मूसा के ऊपर जो योजना पूरा हुआ, एक ग्रेट लिबरेटर बना, परमेश्वर आपके द्वारा आश्चर्य काम निश्चय करेगा। गॉड ब्लेस यू।